उस दिन रोहतास में जब गए और इतनी गोलियां चली और किसी को नहीं लगी और रियली फील्ड की देखो भगवान ही बचा रहा है वी हैव आईपीएस विकास सर्विंग बिहार सिंस लास्ट 2 डेकेड्स को झेलते रहे मन में पीड़ा नहीं होता

और उसमें अहंकार ना हो तो लोग और समाज उसे अपना ही लेता है उससे मोह कर ही लेता है लेकिन सर मेरा क्वेश्चन इसमें सबसे ज़रूरी ये था कि क्या एक पुलिस के पद पे बैठने वाले हर पुलिस पदाधिकारी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती दिस इज़ तो बेयर मिनिमम राइट कि ये तो आपको करना ही चाहिए तो इसमें वाई इफ सम्बडडी इज़ कर्तव्यनिष्ठ इफ़ समबडडी इज़ हैज एमपे या फिर वो ईमानदार हैं तो ये अलग चीज़ है ये बड़ी चीज़ है क्यों ये तो आप बैठ रहे हैं उस पोजीशन पे मतलब आप इस चीज़ के लिए तैयार होने चाहिए देखिए होना तो चाहिए बट ऐसा है क्या दैट इज़ अ क्वेश्चन और हर पुलिस ऑफिसर को भी सोचना चाहिए कि जो मेरी बेसिक ड्यूटीज है क्या मैं वो कर रहा हूँ अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो आपने बात कही नाट पावर करप्ट किसी के पास कोई शक्ति आती है उसको कोई दायित्व तो मिलता है तो उसका प्रयोग किस रूप में करना है हम लोग उस रूप में नहीं सोच के अपने स्वार्थों के हिसाब सोचते हैं कुछ अपने उस रूप में कि हमारा अहंकार कैसे तुष्ट हो सकता है उसके लिए सोचते हैं तो बहुत कम लोग हैं जिसको उस पैरामीटर में हम जज कर सकते हैं कि अहंकारी नहीं हो कर्तव्यनिष्ठ भी हो और ईमानदार भी हो तो सर ये कहाँ डिफ्रेंशिएशन आ जाता है जब आप शुरू करते हैं आई पी एस की तैयारी ऐसा नहीं है इसमें मुझे लगता है कि समाज की बड़ी भूमिका है तो आपकी फैमिली आपकी अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स जो मॉरल वैल्यूज आपके मन में आते हैं बचपन से आते हैं उसके बाद किसी भी सर्विस में आप जाएंगे चाहे आई हो चाहे आप किसी प्राइवेट सर्विस में भी हो तो किसी को जो अवसर मिलता है मौका सब लोगों को मिलता ही है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है आप सही कीजिए या नहीं कीजिए उसमें जब भी किसी आदमी के पास ऐसा मौका आए और उसको लगता है कि मैं कुछ गलत करता हूँ किसी को पता नहीं चलेगा तो दैट इज़ द पॉइंट वेर यू एक्चुअली भी इंटरेस्टेड उस समय आपकी एथिकल डिलेमा है आप क्या उसको कैसे रिजल्ट क्या आपका डिसीजन होता है दैट इज़ योर पर्सनैलिटी कुछ कम्स और लॉन्ग टाइम बचपन से आपके मन में कहीं आपने गलत किया तो आपके मन में कुछ विचार आया मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस समय यदि आपके पेरेंट्स से कोई कहते हैं कि नहीं चलो कर लिया कोई बात नहीं तो आपको लगता है कि जस्टिफाइड हो गया और फिर आप उससे बड़ी गलतियाँ उस तो पर भी आप जाने लगते हैं बट अगर किसी ने आपको समय पर सचेत किया किसी दोस्त ने बताया टीचर ने बताया तो आपके मन में एक बात आ जाती है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ा अपना मन अंतर्मन यदि आप देखोगे तो आप जो भी अच्छा करोगे तो अंतर्मन को लगेगा बहुत अच्छा हुआ है लेकिन जहां आप कुछ गलत करते हो तो अंतर्मन आपको बार बार आपको सचेत करता है अलर्ट करता है वही क्यों कर रहे हो फिर भी आपको लगता है चलो किसी को पता नहीं है तो मैं जानता हूं mm. लेकिन कहीं कही ना कहीं मन आपका कह रहा है कि नहीं मैं तो जानता हूं तो तुमने गलत किया एंड दैट डज नॉट लेट यू स्लीप पीसफुली आपके मन में हमेशा वो गिल्ट फीलिंग रहती है मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है वन शुड ट्राई टू डू द राइट थिंग एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेज क्योंकि आप गलत करके कॉन्सिक्वेंसेज फेस करोगे तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा उस समय किसी को पता नहीं चले बट इन द लॉन्ग रन यू हैव टू फेस इट इन दट एवर वे इट कम्स बट अगर आप सही करते हो तब फेस करते हो कॉन्सिक्वेंस तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको कष्ट हो उद्वेलन मन में परेशान रहें बट इन द लॉन्ग रन यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि मैंने जब मौका मिला देन आई डू नॉट बज मैंने सही किया दैट दैट डेवलप्स अ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन यू यू कैन टेक ऑन चैलेंजेस एज दे कम ना ना निष्ठावान होना ना अच्छे से काम करना से जो निष्ठावान इसमें जो जो करप्शन वाला जो पार्ट आता है वो किन किन चीज़ों की वजह से आता है देखिए पर्सनली हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाए hmm. इस नॉर्मल टेंडेंसी है कि मैं सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाऊँ मैं सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बन जाऊँ बट इफ़ यू डू नॉट मेक एफर्ट्स एंड यू ट्राई टू गेन दम बाय शॉर्टकट्स तो वहाँ पर होती है कि लोगों को लगता है कि इतनी मेहनत करके कौन करे क्यों ना इसको आसानी से प्राप्त कर लें hmm. तो दैट इज अ ग्रीड तो उसमें हर व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है उस प्रकार के मॉरल वैल्यूज नहीं होते कि वो गलत रास्ते को नहीं अपनाए वो चाहता है जैसे भी हो चीजें आ जाएं और आजकल ये कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस की बात कर लो किसी भी तो एक नॉर्मल टेंडेंसी जो समाज में कह सकते हैं इस प्रकार की है कि कैसे भी चीज़ें हो जाएँ बट वो चीज़ें अगर आप उस रूप में देखोगे आइडियल समाज में कैसा होना चाहिए तो आइडियल तो यही होना चाहिए कि जो भी वो नियम से हो लॉ भी यही कहती है बट ऐसा डिवियन बिहेवियर होता है डिवियन बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर भी होता है सोशल भी डिवियन बिहेवियर होता है उसको अगर कंट्रोल करने के लॉज बने हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा जो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है वो सोसाइटी है तो सोसाइटी में यदि हम देखते हैं हम लोग दिनचर्या में क्या बातें करते हैं क्या किसी व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट सर्विस लगती है क्या उससे हम ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी के रेलवे में नौकरी लगती है कि हम सोचते हैं कि ईमानदार होगा hmm. अगर सोसाइटी इस रूप में सोचने लगे कि इस से नॉर्म तो वो चीजें अपने आप नॉर्म हो जाएंगी लेकिन सोसाइटी को उसको तैयार करना होगा सोसाइटी और इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन डे और टू बट वैसे कुछ लोग जो आदर्श बने वन के समाज में प्रस्तुत हों दे कैन एक्चुअली लीड दिस चेंज एंड वी एक्चुअली नीड अ बिग चेंज इन इंडिया जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस का मतलब है कि ईमानदारी से आप सर्विस कीजिए और अपना काम कीजिए

ईमानदार जो जो है मैंने कह रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग है मैक्मटेज वही है, हाँ। है, है, हाँ। है इसलिए अच्छे से चल रहा है बट कुछ लोग डिविएट करते हैं बात मैंने ये कही थी कि कि कोई कहता है लोकप्रियता की बात तो जो भी पुलिस ऑफिसर ईमानदार होगा कर्तव्यनिष्ठ होगा

एक आई पी एस इज टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स क्योंकि क्योंकि आई पी एस या फिर यू पी एस सी या फिर आई ए एस बना हमेशा सिक्योर जॉब लगा है लोगों को और ये माइंड सेट चेंज होने में अभी तक हमारे पेरेंट्स को भी ये लगता है कि ये क्यों कर रहे हो आई पी एस क्यों नहीं बनते हो यू पी एस सी क्यों नहीं क्रैक करते हो इतने सारे जॉब्स हैं एक सिक्योरिटी मिलेगी और फिर आप एक जगह पर यू बीग एन आई आई पी एस ऑफिसर टॉक्स अबाउट की स्टार्टअप्स खुलने चाहिए तो दूर से बैठ के लोग बोलते हैं कि कितना आसान है आपके लिए मतलब जो सोच रहे हैं ये मैं उनकी आवाज़ बिल्के बता रहा हूँ कि कितना आसान है इट लुक्स लाइक अ डिलेमा या पैराडॉक्स आई पी एस अफसर क्यों like बात कर like रहा है बट देखिए मेरी कहानी बड़ी लंबी रही है मैं तो आईटी से पढ़ता था आईटी में पढ़ा था मैंने बताया कई बार कि कैसे उस समय चीज़ें ऐसी हुई जिसने मुझे इंस्पायर किया कि आई शुड जॉइन द पुलिस सर्विस और द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड ट्राई टू मेक अ चेंज इन बिहार बिहार इज अ डिफरेंट लैंड इन अ डिफरेंट फेज उस समय जो बिहार की स्थिति थी बहुत मन में लगता था कुछ करना चाहिए आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू माई लैंड और तब मुझे दिखता था कोई सर्विस में चला जाता हूँ तो आई हैड अंड जॉब अब्रॉड और भी जॉब्स थे बट अल्टीमेटली अपने लैंड को मैं क्या दे पाऊँगा किस रूप में दे पाऊँगा तो उस समय मुझे लगा सर्विसेज में आता हूँ तो इमीडिएटली आई कैन स्टार्ट अटैकिंग द प्रॉब्लम्स और मैं उसका एक पार्ट वन के सिस्टम का कुछ सॉल्व कर सकूँगा सिस्टम को जब मैं धीरे धीरे समझने लगा उसमें आया तो बहुत सारी चीज़ें मैंने चेंज होते भी देखी चेंज करने में मेरी भूमिका भी रही बट फिर लगने लगा कि चलो ये तो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है मैं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार को यदि मैं देखता हूँ जो डिजायर्ड चेंज जो हम लोग सभी चाहते हैं कि बिहार एक डेवलप्ड स्टेट हो एक ऐसा स्टेट हो जिसमें किसी को शिक्षा के लिए रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो तो क्या केवल ऐसे होगा कि कुछ ऐसे विकास वैभव आए और सर्विस में आ जाए चेंज करने लगे लगें तो शायद नहीं होगा उसमें हो सकता है बहुत लोग आएंगे बहुत एक रेडिकल चेंज आगे जो हम लोग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसके लिए समाज में एक रेवोल्यूशन ऑफ ऑन्टरप्रेनरशिप चाहिए क्योंकि जॉब्स हमें चाहिए बिहार में ही आज जो पलायन होता है लोग बाहर जाते हैं वो तभी सॉल्व हो सकता है जब बिहार में जॉब्स क्रिएट हो और जॉब्स क्रिएट करना आसान नहीं है जॉब्स अगर सरकार चाह भी ले अगर सरकारी नौकरी देने लगे तो भी वन परसेंट से टू परसेंट के बीच में ही लोग कौन दे सकते हैं प्राइवेट नौकरियों की भी हम बात करें तो प्राइवेट नौकरी तब होंगे जब इन्वेस्टमेंट कहीं से आएगा लोग कंपनीज लगाएंगे उसके लिए उम्मीद करें कोई बाहर से आएगा इन्वेस्ट करेगा इट तो टेक अ लॉन्ग टाइम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स बट एट द सेम टाइम अगर हम ये सोचें कि हमारी यूथ वैसे स्किल्ड हो जाए कि उनके मन में हम उस प्रकार के स्किल्स के बारे में सोचने की एक दृष्टि दे सकें वो एक अपना स्टार्टअप लगाने की उनमें प्रेरणा जगह उसमें उनका मार्गदर्शन हम करें छोटे छोटे लोन हम ऑफर करें कैसे करें इसके बारे में यूथ को हम बताएं कि आप कैसे लोन ले सकते हो एंड टू अ सेंस ऑफ एंटरप्रिनरशिप इज अगेन अ लॉन्ग स्प्रेड आउट टाइम बट एक बार शुरू हो गया तो वन सक्सेस स्टोरी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मेनी मोर सक्सेस स्टोरीज तो हम लोग एक छोटा सा टारगेट लेके चल रहे हैं कि पाँच अच्छे स्टार्टअप्स हर जिले में पाँच साल में लग जाएँ जिसमें कि सौ सौ लोगों को हम रोजगार दे सकें ऐसे कोई सी और सब नए स्टार्टअप जो हमारे यूथ कुछ स्टार्ट करते हैं उनको हम मोटिवेट कर सकें ऐसे लोगों लोग लोग को हम लोग कनेक्ट किया है ताकि अब हमारे यूथ को आप बताइए कि आपने ये स्टार्टअप लगाया इसमें ये डिफ्रेंसेज हैं इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको इसको कैसे टैकल करना है तो ऐसे लोग को एक कनेक्ट कर सके छोटा टारगेट हर डिस्ट्रिक्ट में पाँच बट पाँच विच शुड एम्प्लॉय मोर देन फाइव इन दैट डिस्ट्रिक्ट इन द नेक्स्ट फाइव ईयस तो ऐसा करने में जो भी लोग सहयोग कर सकते हैं उनको हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं बहुत लोग जुड़े हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो कैन गाइड आर यूथ अगर हम सहरसा में मधेपुरा में अररिया में देखो बेगूसराय में ऐसे पांच पांच स्टार्टअप हम लगा नहीं। पाए विथ गाइडेंस बाई दो पीपल फ्रॉम बिहार वू आर नाउ सक्सेसफुल वू हैव बीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स तो आप देखिएगा आने वाले समय में पाँच के पचास होने में समय नहीं लगेगा इन फाइव ईयर्स फाइव बट इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स विल हैव मोर देन फिफ्टी फाइव हंड्रेड अगर ये सक्सेसफुल हुए तो अभी तक हम लोग सक्सेस इससे नापते हैं जैसे किसी की सरकारी नौकरी लग गई तो पूरे गाँव में लोग खुश होते हैं भाई इसने ये एग्जाम क्वालीफाई किया बट तो जिस दिन हमारी सक्सेस की क्राइटेरिया ये हो जाएगी कि भाई इसने ये कंपनी लगा दी इसने इतने लोगों को रोज़गार दिया इसने इतने एनुअल टर्न ओवर लाया जब लिंगो हमारा चेंज होता है ना तो अभी तो लिंगो वही है कि रेलवे की अच्छी नौकरी लग गई इसने इसमें टॉप कर लिया उसको छोड़ के सक्सेस हम... का मैट्रिक्स भी वही है मैट्रिक्स है लेकिन उसमें टर्न ओवर की कंपनी बनाई इसने अपनी कंपनी इतने सेल ऑफ की फंड रेज की फंड रेज की तो ये चीज हमको बिहार के यूथ में चाहिए और ये जब होगा तो वो कैसे लगता है वो नहीं शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी होगी शुरुआत को हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग पहले तो भी मोटिवेट कर रहे हैं कुछ स्टोरीज आज अच्छी बात है कि लगभग कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्टार्टअप शुरू हुए हैं ठीक है छोटे हैं कुछ पे पाँच ही लोग एम्प्लॉयड होंगे कुछ पे दस होंगे बट हमारा टारगेट है कि धीरे धीरे ऐसे स्टार्टअप्स बनाए जिसमें सौ लोग कम से कम एक डिसेंट स्टार्टअप हमारा हो तभी एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है और उसमें देखिए जो गरीब लोग हैं बिहार के लेबर के लिए बाहर जाते हैं उनमें भी अगर स्किल्ड उनको हम कर सकें तो दे गेट बेटर एम्बलमेंट्स लेकिन अभी क्या है बिल्कुल बेसिक चाहते हैं और दे डोंट हैव स्किल्स तो वैसे ही ट्रीट होते हैं लेकिन यदि हम स्किल्ड लोग बना सकें तो उसके लिए हमको अपने यहाँ अगर हम वैसे स्किल्ड लेबर जो किसी इंडस्ट्री में काम कर सकें उसकी अगर तैयारी करें तो पाएंगे वैसे इंडस्ट्री इन वाले भी आना चाहेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में ताकि उनको सस्ता पड़ेगा तो जब इन्वेस्टर्स हम चाहते हैं तो उनके अनुसार उनको स्किल्ड अपने लेबर वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए साथ में जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं वो भी बाहर जाते हैं क्योंकि उनको बिहार में वैसे जॉब्स नहीं मिलते जो वो करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को सोचना होगा कैसे आने वाले समय में क्योंकि चैलेंज तो वही है हम चाहते हैं कि बिहार डेवलप हो डेवलपमेंट का मतलब है कि बिहार में ही जॉब्स भी हों बिहार में एजुकेशन के वैसे अपॉर्चुनिटीज़ हों

बाई फोर्टी सेवन नोन टू गो आउट ऐसी एक इकोसिस्टम को हम लोग बिहार में डेवलप कर दें तो लगना तो आज सही होगा धीरे धीरे प्रयास करना होगा केवल गवर्नमेंट नहीं सो सामाजिक प्रयास जिसमें हम लोग एक अवेयरनेस अबाउट अंटरप्रेनरशिप स्कूल्स में कॉलेजेस में चाहे प्राइवेट स्कूल हों गवर्नमेंट स्कूल हो, हो पंचायतों में हम बात करें तो ऐसे बहुत लोगों को वॉल्टियरी रूप में आगे आना होगा जो थोड़े बहुत जानते हैं जो हेल्प कर सकते हैं और जब मिलकर ऐसा करते हैं तो मैं तो हमेशा कहता हूँ समाज को नुकसान दुर्जनों के

वट वॉट्स नहीं बिल्कुल अभी जो एजुकेशन है हमारी उसमें अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारे कंसर्न मेन यही रहता है कि डिग्रीज इसने ली या नहीं क्लासेज में इसने कितने नंबर लाए अब ठीक है अब नंबर भी ले आए डिग्री भी ले आए और बहुत इसके चक्कर में ये होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि डिग्री ले आए तो कैसे भी ले आओ हाँ. तो भाई उसमें क्वेश्चन पेपर्स भी लीक हो जाते हैं और बहुत तरह के लोग प्रयास करते हैं बट अल्टीमेटली आंस क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज द स्किल दैट यू गेंड आफ्टर अर्निंग अ डिग्री इन ग्रेजुएशन वट सब्जेक्ट यू हैव क्या आप एम्प्लॉयबल हैं क्या आप कुछ नया स्टार्टअप लगाने लायक हैं तो अगर नहीं है तो दैट होल एजुकेशन गोज बेस्ट hmm. तो अपने एग्जाम पास पेपर. कर just piece of paper. तो अगर हमें वो स्किल्स हैं जो हम इम्बाइव कर पाए अपने एजुकेशन से तो देन जो भी व्यक्ति स्किल्ड होगा वो निश्चित है कि अपने एम्प्लॉयमेंट का भी जुगाड़ कर लेगा उसने दिमाग में आ जाएगा मुझे क्या करना है ही कैन गेन एम्प्लॉयड इन अ कंपनी ही कैन मेक हिज ओन स्टार्टअप ही कैन सेटअप इज ओन बिजनेस जो वो कर सकता है तो इस तरह की एजुकेशन हमें उस प्रकार की थिंकिंग दे सके स्किल्स दे सके कि हम

जैसे सरकारी नौकरी का इंक्लिनेशन जो है यूथ में चाहे पेरेंट्स में वो बहुत ज्यादा है फ्रॉम देयर टू ओपनिंग स्टार्टअप्स थिंकिंग अबाउट बिजनेस हाउ डू यू थिंक दैट दैट चेंज इन हाउ सरकारी नौकरी खराब है मैं नहीं कहता हूँ सरकारी नौकरी का जो क्रेज हो तो रहेगा लेकिन सरकारी नौकरी सबको हम नहीं दे सकते तो इसीलिए वी हैव टू थिंक ऑफ हाउ टू मोटिवेट द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि सरकारी नौकरी का जो क्रेज आई एस का है आईपीएस का है आर्मी का है तो वो रहेगा मतलब देआर वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड जॉब्स रहेंगे बट हमको ये देखना है कि यूथ को हमारे मन में अगर इस प्रकार की भावना डालें कि आपको पैसे कमाने हैं तो सरकारी नौकरी में पैसे आप नहीं कमा सकते ये बात उनके दिमाग में हमको डालनी होगी तो कई बार ये होता है कि लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी फिर देखते हैं मेरी ऊपरी कमाई कितनी होगी और बट दैट इज़ एक्चुअली योर डैमेजिंग नेशन अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हो ईमानदार नहीं हो तो आप क्या कर रहे हो जो रिसोर्सेज जहाँ लगने चाहिए उसको आप खुद यूटिलाइज कर रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए तो हमारे यूथ में चाहिए अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है या सरकारी नौकरी में अगर आप जाते हो तो गो विद द दूध ऑफ सर्विस कि आप सर्व करने जा रहे हो अगर वहाँ पे आप कमाने जा रहे हो तो दैट इज़ नॉट द वे तो कमाना अगर आपको है तो यू शुड गो फॉर अ प्राइवेट जॉब यू शुड गो फॉर अ ओन स्टार्टअप और ओन बिजनेस वही होना चाहिए वो होता क्या है अभी देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो सरकारी सिस्टम में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट मिस यूजिंग द सिस्टम फॉर देयर ओन बेनिफिट्स जो कि बहुत बड़ी समस्या है इसलिए आप देखिए जो जितने भी सरकार के स्कीम्स हैं या फंड्स हैं जिनके डिजायर्ड बेनिफिट्स जैसे आपने कहा कि एफ आई आर करने जाते हैं तो मन में एक आशंका हो क्यों हो रही है क्योंकि ऐसे लोग हैं जो सिस्टम में अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अगर लोग सर्विस में सर्विस के मोटिव के साथ जाएगा आई एम ए सर्वेंट मेरा काम सोसाइटी को सर्व करना है मेरा इसको तो अपना कोई इंटरेस्ट नहीं जो भी मैं कर रहा हूँ इसके लिए सरकार मुझे सैलरी दे रही है दैट इज गुड इन फॉर मी ऐसा हो तो आइडियल हो जाएगा बट इज इट गुड इन फॉर नहीं तो ये तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि hmm. हमारे यूथ को तो जो आगे आने वाला फ्यूचर है हमारे देश का उसके मन में तो आपको बचपन से डालना होगी गवर्नमेंट सर्विस मतलब सर्विस सर्विस इज सर्विस बट इफ यू रियली वॉन्ट टू अर्न मनी देन यू शुड गो फॉर अ प्राइवेट जॉब यू शुड गो फॉर अ स्टार्टअप यू शुड गो फॉर अ

उन पर एक्शन भी उसी स्पीड में हो रहा है तो इफ़ यू आर एंगेजिंग इन करप्शन दें देर इज टाइम विच विल कम जो आप पर एक्शन होना ही है बट ये लोग सोचते रहे जिस समय मोमिनट्री बेनिफिट्स मिल रहा है तो लोग उसमें लग जाते हैं बहुत अलाइन कर जाते हैं कुछ फोर्सेज के साथ बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन आप देखिएगा जिसने भी करप्शन की हुई कहीं ना कहीं जाकर फंसता है hmm. ये रहा है बहुत कम लोग हैं जो रियली बच पाते हैं तो इसीलिए हमारा जो यूथ है उसको बताना होगा कि ऐसे शॉर्टकट से चक्कर में नहीं पड़ो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू अर्न मनी गो फॉर अ गुड जॉब थिंक बिग

साहेब हैं राजा हैं तो उस टाइप की जो फीलिंग है पुलिस में भी रहा है वी आर वी आर टू डोमिनेट सोसाइटी वो नहीं होना चाहिए वी आर यूर टू सर्व जो बेसिक है चेंज विल कम डेमोक्रेसी में हम लोग हैं सब लोग तो पहले जो स्पिरिट थी सर्विस की अब जो स्पिरिट दोनों अंतर है इसीलिए उस सर्विस के स्पिरिट को टू मेक इट एक्चुअली सर्विस उसमें जो समय लग रहा है इट्स अ ट्रांजिशन उच इज गोइंगा बट सबको एंगेज करना हो मैंने यही कहा कि जो चीज़ें निकलती हैं समाज से निकलती हैं तो समाज में एक बदलाव चाहिए जिसमें सोशल इनिशिएटिव सोशल मूवमेंट सही करने के लिए लोगों को करना हो ऐसे लोगों को जो सही सोचते हैं पॉजिटिव है सर आप बताइए फिर कि <coughs> तीन बदलाव जो अभी आपको लगता है कि समाज में चाहिए ही चाहिए नहीं पहला तो हमें जो एजुकेशन है इट शुड बी फॉर स्किल्स उसमें आपको देखना होगा कैसे जो हमारे बच्चे हैं उनके टैलेंट क्या है उनका नेचुरल इंक्लेशन क्या है उसमें पेरेंट्स को टीचर्स को सोसाइटी को उसको असिस्ट करने में करना चाहिए सो दैट द इंडिविजुअल हु कम्स आउट इज अ वेल शेप्ड आउट इंडिविजुअल हु कैन टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर्स वेड एक तो मुझे ये लगता है दूसरा मुझे लगता है कि ऑन्टरप्रनरशिप की जो स्पिरिट है बहुत कम है हम अपने लोगों को बस सरकारी नौकरी तक की उनकी सोच हमने सीमित कर दी है और इसके लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन अल्टीमेटली इफ दे डू नॉट सक्सीड देन दे डू नॉट रियली ट्राई टू एंगेज दम इन समथिंग न्यू तो फिर वो कुछ ना कुछ सेटल कर जाते हैं और जहाँ पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच सक वो होना चाहिए और सोसाइटी में एक जो बैरियर्स हमने बना रखे हैं कास्ट के रिलीजन के अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के तो उसमें हम देखते हैं अक्सर हमारी एनर्जी संघर्ष करने चली जाती है और जिस स्टेज पर भारत आज है यदि ऐसे संघर्षों अपने हम एनर्जी लगाते हैं द चैलेंज विथ अस इज अ रियली बिग एंड इमेंस पॉपुलेशन टू फीड इमेंस पॉपुलेशन टू एम्प्लॉय इन द कमिंग सेंचुरी और उसमें अभी से अगर हम लोग तो प्रॉपरली प्लान आउट नहीं करते हैं कि एनर्जी हमको लगानी कहाँ है तो नॉट अचीव वॉट वी आर एक्चुअली सेट आउट टू अचीव इसीलिए हम लोग को थोड़ा एक पॉजिटिव थिंकिंग इंकलकेट करने और यूथ का भी आप लड़ते रहो आप कोई हो सकता है कोई लेफ्ट आइडियोलॉजी का हो कोई राइट आइडियोलॉजी को बट वेन इट कम्स टू द नेशन ऑल शुड थिंक एट पार एंड वी शुड थिंक हाउ आर नेशन शुड मूव तो ऐसे इशूज पर हमको डिबेट नहीं करना चाहिए जहाँ पे लेकिन हम देखते हैं अक्सर अच्छा ऐसे इशूज पे भी सोशल मीडिया का जमाना है लोग सोशल मीडिया पर भी डिबेट में उलझते हैं तो आप तो तो देखेंगे हमारे यूथ का बहुत टाइम इसमें चला जाता है और हम किस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको है इट्स गुड इन डेमोक्रेसी इन अ वे बट ऑन इश्यूज वेयर द नेशन शुड मूव अहेड वी शुड मूव अहेड आपको हिंदी में भी काफ़ी रुझान रहा है और आप लिखते भी हैं लेकिन जो रेशियो है ना सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन इन यू वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी लैंग्वेजेज़ में कम है कम्पेयर टू जो इंग्लिश लैंग्वेज में सिलेक्शन होते हैं सो डू यू थिंक ये कॉलोनियल हैंंग ओवर है अभी तक कि अभी तक यही हो रहा है कि जो लोग इंग्लिश ऑप्ट करते हैं जो लोग इंग्लिश के थ्रू जाते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है तो ये रेशियो में इतना डिफरेंस क्यों है क्यों हम हिंदी से आगे ऐसा देखिए ऐसा नहीं लगता मुझे मुझे ये लगता है कि यू पी एस सी एस ट्राइड टू मेक इट लैंग्वेज न्यूट्रल जो भी लेकिन उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं हमारे तो आप ऐसे जनरली आप देखिएगा तो आप देखिएगा जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो ज़्यादा भेजते हैं और जो गाँव के बच्चे हैं मोस्टली वही लोग हिंदी मीडियम में तब ऑप्ट करते हैं लेकिन यदि उनका मार्गदर्शन शुरू से अच्छा रहे उनके उतने जो स्किल्स हैं उसको वोन अप कर सकें दे लॉसो डू वेल बट होता क्या जो अच्छे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स जनरली इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा भेजते हैं दैट इज़ द रीज़न कि सिलेक्शन उसमें ज़्यादा है उस तरह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी ने कोई ऐसा किया है या कलोनील हैंग है अगर हिंदी मीडियम में हम चाहते हैं अच्छा करें तो हमको एक प्रयास करना होगा कि जो गाँव के बच्चे हैं उनको हम अच्छी एजुकेशन दे सकें हिंदी मीडियम में और उनको अच्छे से हम ट्रेन कर सकें अच्छी कोचिंग दे सकें फॉर यू पी एस सी आप देखिए रिजल्ट अपने आप ठीक होंगे अभी सर बोला लेकिन सर... बैकग्राउंड जो होता है ना जैसे यूपीएस आप देखेंगे तो पहले से अगर बैकग्राउंड मजबूत है तो यू डू वेल बट पहले से आपका कमजोर है का आपने कोचिंग की और चाहे हम कम्पीट करें उनसे जो पहले से स्कूलिंग उनकी अच्छी रही है तो हो सकता है उतना जल्दी ऐसा नहीं होगा सबको टाइम भी लगता है आप देते हैं होना जरूरी है Normally, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो, लोग है, जो है, उनके एक चीज जो ये आई थी सर किस एंड अबाउट एजुकेशन और जो रिजर्वेशन है वो सेवनटी फाइव परसेंट कर दिया गया है तो डू यू थिंक इन एनी सेंस कि इज फाउंडेशन फॉर अ सोसाइटी क्योंकि जब हम इतना हाई रिजर्वेशन करते हैं तो जो सही में टैलेंटेड लोग हैं जो सही में स्किल्ड लोग हैं उनको मौका कम दिया जाएगा तो क्या ये फाउंडेशन है क्या हम ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं अब वो वोट बैंक के चक्कर में हो या किसी भी चक्कर नहीं में हम नहीं देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता देखिए सोसाइटी में इनक्वलिटी बहुत है इनक्वलिटी के लिए हम सभी के लिए प्रॉब्लम है कैसे उसको हम लोग कम करें गवर्नमेंट के पास भी है सोसाइटी के पास भी है गवर्नमेंट इन इट्स ओन वेज ट्राइज टू रिड्यूस दैट गैप तो अभी बिहार में जो हुआ जो अब रिजर्वेशन की आप बात करें इट वाज़ डन आफ्टर द होल मल्टीपल्स सेंसर्स जो इन लोगों ने मतलब हुआ था ना कास्ट सेंसर्स हुआ था उसके बाद कुछ था कि भाई इसमें इतने परसेंटेज है ऐसा होना चाहिए बट मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज रिजर्वेशन की बात तो आप छोड़ दीजिए जो भी रिजर्वेशन किस में हम लोग दे रहे हैं गवर्नमेंट hmm. जॉब में गवर्नमेंट तो जॉब कितने होंगे वन परसेंट मैक्मम कुछ हो सकता है तो कुछ और परसेंट बट इज़ दट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो हम लोग के सामने है तो हम लोग अगर आप वीडियोकर की बात करें तो हम कह रहे हैं जो बेस्ट ऑफ हमारा टैलेंट है इट इज़ नॉट इवन फॉर गर्व उनको देखना चाहिए हम फंड कैसे सके बड़ी कैसे कर सके। तो मैं उधर तो कोशिश करता लेकिन मेरे दिमाग में सोसाइटी को देख के लगता था कि नहीं आई पी एस या आई एस सी या जिसमें बदल सकता हूँ तो मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था तो मैं देखो आज वही कर रहा हूँ तो क्या अगर आपको बताने वाला होता तो नहीं डेफिनेटली अगर आज मैं सोचू की बीस साल पहले रहता हो सकता है अगर उस समय मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ और कोई गाइड करने वाला होता है। तो आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर देट इज़ वेल बट हमारे यहाँ उस समय आप देखेंगे तो जो हम लोग छोटे थे आज भी मैक्सिमम लोग के मन में यही है ना कि आई करो मेडिकल जाओ उसका यू करो या कोई नौकरी में जाओ बट इससे इससे आगे निकलने की जरूरत है तभी सोसाइटी में चेंज आएगा ये मुझे लगता है और ऐसा मुझे ही नहीं लगता तो बहुत लोगों को लगता है क्योंकि कि स्टैटिस्टिक्स वही कहते हैं और स्टैटिस्टिक्स जो हम कहते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ यूथ और लेस देन थर्टीज और नाइन करोर्स इन बिहार और नाइन करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो इट के नॉट हैपन इन द वे इट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली रेवोल्यूशन ऑफ ऑन्टरप्रीनरशिप इज रिक्वायर्ड इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसके लिए हमको हर स्तर पर प्रयास करना होगा और इससे निराश नहीं होना चाहिए जो लोग है ना कि रिजर्वेशन है तो ऐसा है वैसा है अरे भाई आपके अंदर टैलेंट है अगर स्किल है आपके अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता गवर्नमेंट जॉब की बात आप मत कीजिए गवर्नमेंट जॉब आप जाना चाहते हैं बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे तो इतने भी रिजर्वेशन के बाद भी लोग सेलेक्ट होते हैं मैं भी हुआ हूँ है ना तो उस सिस्टम है तो अगर आपको इतनी इंटरेस्ट है उसमें आपको जाना है यू शुड पुटर होल एफर्ट एंड ट्राई टू डू दैट बट अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आपको सोचना चाहिए और एक बड़ी एंटरप्राइज एक बड़ी कंपनी आप लगाने में सफल होते हो तो आपका पूरा रीजन को बदल सकते हो और इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए लेकिन सर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फंड्स नहीं दे रही है सर स्टार्टअप्स के लिए वो तो हो रहा है लेकिन प्रमोट जो किया जाता है वो ये होता है कि रिजर्वेशन्स बढ़ा दिए हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये मैसेज नहीं आ रहा होता है बाहर कि इस दिस

और यूथ को जॉब्स हम किसी भी केवल सरकारी सिस्टम तक तो अगर हम सोचेंगे तो हम नहीं दे सकते हैं तो वील हैव टू थिंक बियॉन्ड तो मेरी सोच यह है कि रिजर्वेशन ठीक है गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकार ने डिसीजन लिया सही लिया लेकिन अगर ऐसा हम सोचते भी हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस इसके लिए हमारे बियॉन्ड कास्ट हमको सोचना होगा बियॉन्ड रिलीजन सोचना होगा एंड वील एंटरप्रेन्योरशिप आपका ना आपने जैसा भी किया कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थे और इलेक्शन भी स्टूडेंट इलेक्शन भी जीते एंड डू यू एवर फील कि क्योंकि पॉलिटिक्स में जब आप होते हैं या फिर जब आप यू पी एस सी से आई पी एस बनते हैं तो एक हमेशा पॉलिटिकल प्रेशर आप पे रहेगा ठीक है एंड क्योंकि आप स्टूडेंट इलेक्शन में रहे हैं क्योंकि आप जीते हैं क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रही हैं हमेशा से कि आपको आ, एक लीडर की तरह खड़े होकर जैसे लेट्स इंस्पायर बिहार ही कैंपेन है तो कभी आपके दिमाग में यह आता है क्योंकि आपका कभी क्लियर स्टैंड क्ले, नहीं रहा है टू कि यू गेटिंग इन टू पॉलिटिक्स एवर लाइक टू के बारे में भी बात हुई थी उसके आगे भी बात हुई तो क्योंकि पॉलिटिक्स इज अ सुप्रीम पावर और वो सबसे बेस्ट तरीका है टू हेल्प द कम्युनिटी टू हेल्प द रीजन दैट यू आर इन वट आई यू थाट्स ऑन गेटिंग इन टू पॉलिटिक्स बिकॉज वहां से सबसे अच्छा तरीका होगा नहीं देखिए मैं तो बहुत स्पष्टता के साथ हमेशा कहता हूँ अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए तो उसमें देर इज़ नो बार मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए ये मैं कह रहा हूँ कि सबको आने का प्रयास करना चाहिए सोसाइटी में निश्चित एक बड़ा इम्पैक्ट होता है लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कुछ अच्छे लोग आएंगे भी तो जो डिजायर्ड इंपैक्ट है हमारा भाई ट्वेंटी तब तक नहीं होता जब एक सोशल चेंज नहीं तो अभी जो मैं कर रहा हूँ इट्स नॉट कंसर्न विद पॉलिटिक्स सोशल चेंज में लगा हूँ लेकिन अब मुझसे मेरे विचार जानना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो मैं तो ओपनली कहता हूँ भाई अच्छे लोग आना चाहिए तो टाइम कब आएंगे नहीं आएंगे दैट तो फ्यूचर विल टेल बट वॉट आई इंटेंड टू सेज

और ईमानदार है तो पढ़े लिखे और मेहमान लोगों से ज्यादा अच्छे इसलिए मैं कहूंगा इसमें उन लोग को कोई बैरियर नहीं होना चाहिए आपको लेवल पे रहे हैं। कि आपको नहीं लगता है कि इतनी एजुकेशन लेवल तो होनी चाहिए जो भी प्रेशर ओपिनियंस बट मैं बड़ी स्पष्टता के साथ यही कहना चाहता हूँ मेरा ओपिनियन यही है जो ईमानदार है राष्ट्र के प्रति समर्पित है वैसे लोग आना चाहिए उसमें कोई एजुकेशन कितनी ज्यादा हो कितनी कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत एजुकेटेड हो आपके मन में देश के प्रति वैसे विचार नहीं हो ऐसा व्यक्ति के आने से कोई लाभ नहीं होगा लेकिन यदि मन में उस प्रकार स्पष्ट विचार है और आप पढ़े लिखे हैं अच्छे हैं तो हैंडवांटेज ऐसे लोग राइज करें बहुत अच्छी बात आपने एक चीज मेंशन की थी जिसमें कि गोली आपके साइड से निकली थी ऐसे ना बहुत इंसिडेंट्स हुए होंगे आपके साथ बिकॉज आप बहुत फील्ड लेवल पे भी काम कर चुके हैं तो ऐसे कौन कौन से नियर डेथ एक्सपीरियंस रहे हैं आपके वो सबसे नजदीकी था वही सोली गांव में हुआ था सब कुछ याद एक समय याद है, पाँच रहा था सर, क्या होता उस समय? कि हमें पता है कि आज जा रहे हो सकता है वापस ना आए वो तो खैर हमेशा जब भी निकलते थे तो मन में रहता ही था बट वॉज एन कॉन्फिडेंस की डेस्टिनी और कहीं ना कहीं मन में विश्वास था जब मैं जा रहा हूँ भगवान मेरे साथ है वो कुछ नहीं होगा तो उस दिन रोहतास में जब गए और इतनी गोलियाँ चली एक हज़ार से ज्यादा गोलियाँ चली और किसी को नहीं लगी तो रियली फेल्ड कि देखो मन में जो कह रहा हूँ भगवान ही बचा रहा है बगल से गोलियाँ चल रही आपको कुछ हो नहीं रहा है संतरी भाग जा रहा है सो मेनी थिंग छपेंट पर टोटली आज भी लोगों को बताइएगा तो सोचे ऐसा कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति संतरी राइफल लेके खड़ा हो गोली न चलाए आपको देख के अंदर भाग जाए तो ये तो नॉर्मल बात नहीं है ना ऐसा ही हुआ उस दिन ऐसा ही हुआ इसलिए हुआ शायद देखते डर गए अगर कुछ थोड़ा डिटेल में बता नहीं रात को हम लोग डेहरी से चले थे करीब बारह बजे प्लान था कि जंगल जाएंगे घूम घाम के आएंगे उस समय लैंडमार्क लगे रहते थे पैदल जाएंगे तब तो कितने दिन चलना पड़ता बाद में हम लोग पैदल ही चले उस समय गाड़ियों से जाते थे रोड्स बड़े खराब थे और सुबह पाँच बजते बजते हम लोग चार बजे पहाड़ के ऊपर गाड़ियों से चले जाते थे और दो तीन चार किलोमीटर के आस के गाँव को घूमते हुए मेन रोड से फिर जो पूरा कच्चा रास्ता था जिसमें लैंडमार्क लगे रहते थे जल्दी से हम लोग एक रूट से जाते दूसरे रूट से निकल जाया करते थे वैसे तीन बार गए थे चौथी बार जब गए तो सोली पहुँचे थे एक स्कूल था वहाँ जिसको मैं देखना चाहता था कि स्कूल में हम लोग फोर्सेज कैसे रख सकते हैं ऑपरेशन कैसे प्लान कर सकते हैं कैसे पहुँचेंगे टू अंडरस्टैंड द ट्रेन में वहाँ गया था और स्कूल में बच्चे भी थे ये भी मालूम था कि स्कूल में रेजिडेंशियल स्कूल है बच्चे रहते हैं और रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे तो रहते हैं ना बच्चों के साथ नक्सल भी होंगे ये तो इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन लेकिन जब स्कूल के गेट पे पहुंचे तो मैंने देखा एक संतरी खड़ा है विद अ सेल्फ लोडिंग राइफल तो मिशरी लाइक बींग इन द पुलिस फील्ड की आर्म्स तो पुलिस वालों के पास ही होगा राइफल लेकर और कौन खड़ा होगा वर्दी भी उसकी ग्रीन कलर की थी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आया कि एस तो मैं हूँ मैंने किसी की ड्यूटी लगाई नहीं लेकिन तब देखा कि ऊपर काला साफा बना हुआ है एंड बिफोर आई कुड रियलाइज मैंने ड्राइवर चिल्लाया कि माओवादी है और तब वो भी देख रहा होगा उसने भी लगा कि और हमारे साथ एक ही बात अच्छी थी सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और वो सिविल गाड़ी थी इट फॉर नॉट अ पुलिस व्हीकल फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ उसको मेरा समझ में नहीं आया वो कौन आया पीछे तो उसने की होगी गाड़ी चला देता तो पुलिस की गाड़ी लगती है और सामने तक पुलिस आए तो दूर से गोली चलाता है बट जब तक हम उसके पास पहुंच गए उसको भी लगा अब तो एकदम सामने है तो वो भी अंदर भागा मतलब तो हम भी रिएक्ट करते उससे पहले वो भी अंदर भागा गोली चलाता है तो हम आज कहाँ रहते थे आज यहाँ तो सामने थे लगी जाती बट वो अपनी जान बुझाने भागा कि अगर हम यहाँ खड़े रहे तो शायद हमें नहीं बचेंगे तो अंदर भागा तब तक ऊपर छत का कोई व्यक्ति था उसने गोलियां चलानी शुरू की मतलब ऑटोमेटिक बस फायर वो बगल से निकलने लगी तो पोजिशन लिए बैठे तब तक गोलियां चली खूब आफ्टर टेन मिनट्स हमारे पीछे कैंटी लाइन मैन व्हीकल थी बाकी ड्राइवर्स तो उतर गए थे गाड़ियों से वो धीरे धीरे खेतों से हाथ होते हुए जब आए तो व्यक्ति ऊपर से गोली चला रहा था वो भागा एंड देन वी कुड डोमिनेट द स्कूल टेक चार्ज बच्चों को हम लोगों ने बीच में बिठाया ग्रेनेड्स हम लोग फायर कर नहीं सकते थे उसमें फिर हम लोगों ने देखा तो करीब तीन पुलिस राइफल्स मिली हैं सैकड़ों गोलियाँ मिली बहुत सारे मेडिकल किट्स मिले मेडिकल कैंप वहाँ पर नक्सल लगा रहे थे मेडिकल कैंप्स लगा मेडिकल कैंप लगा रहे थे वो करीब पंद्रह दिन चल रहा था झारखंड से डॉक्टर्स आए थे ए थे दे डॉक्टर्स लेके आते थे द पीपल तो उस समय सरकारी सिस्टम वहाँ बहुत काम नहीं कर रही थी और डर से कोई जाता नहीं था इट इट वर्चुअली टू कॉल तो हम लोगों ने हिम्मत की पहली बार वहाँ गए उसके बाद लंबी यात्रा चली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए नेक्स्ट टाइम जो हम लोगों ने फिर अटैम्प्ट लिया तो नुकसान हुआ उसी गाँव में एक लैंडलाइन ब्लास्ट हुआ आज भी वहाँ पर गाड़ी के अवशेष पड़े हुए हैं वन ऑफ आर जवान बट संकल्प और सुदृढ़ होता गया कि अब इसमें हार तो नहीं मानेंगे या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे तो एक ऑपरेशन चला ऑपरेशन विध्वंस जिसमें लोगों से हम लोग जुड़े इस नाते कि चार चार रात तक पहाड़ पे ही रहते थे और गाँव के लोगों से बात करते एंड फ्रॉम देन वी कुड गेज कि लोग बड़े अपने एंड के बारे में बड़े प्राउडली कहते हैं कि बहुत हमारे अच्छे वंशज उनके वंशजम हैं तो इस स्पिरिट को हम लोगों ने देखा इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं रोहतास का किला उसके गौरव को लोग भूल चुके थे उसके और को जाना नहीं चाहते थे 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे 2006 में डीएसपी शहीद हुए हर वर्ष पर इसके बहुत लोग मारे जाते थे लोगों से हम लोगों ने यही कहना शुरू किया कि तुम्हारे पूर्वज जब ऐसे थे रोहतास के किले को बना सकते थे मुगल आए तो उन लोगों ने कहा किला वैध्य है इफ़ योर एंड सिस्टर्स कूड क्रिएट सच ग्लोरी तुम्हें क्या कमी है तुम क्यों अपनी एनर्जी इस संघर्ष में लगाए नक्सल का हम लोगों ने विरोध नहीं किया सब लोग नक्सल से जुड़े हुए थे उनके विरोध में कुछ बोलते तो हमारा विरोध होता है बट हमारी बात उन तक पहुंचे इसके नाम हम हिस्ट्री को मीडियम बनाया हिस्ट्री के माध्यम से बात करने लगे तब ऐसा तो आज क्यों नहीं एंड दिस थिंग स्ट्रक उसमें जो लड़के थे उनको हम लोगों ने टूरिस्ट गाइड बनने के लिए कहा और न केवल कहा उनको बुला के ट्रेनिंग दी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होर्डिंग्स लगवाएगा होताज़ किले पर टूरिज्म स्टार्ट होना चाहिए तो इन एफर्ट्स के बाद टू के छब्बीस जनवरी को पहली बार तिरंगा लहराया उस किले पर जहाँ पहले काले झंडे लहराते थे चेंज वॉज कमिंग एलेक्शंस आने हो, आगे होने थे इलेक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हुई बी की कंपनी लगी थी उस पर अटैक हुआ टू में लोकसभा में बट विथ रिजॉल्व यहीं पर कराएंगे केवल तीन बिल्डिंग्स पर विथ सिक्सटीन कंपनी सोलह सौ जवान लगे और नाइन्थ में टू थाउजेंड नाइन

ईजी वही ये रहता है कि हम लोग बूथ शिफ्ट करके कहीं और ले जाते और उसके लोग नहीं भी आते हम कहते हैं इलेक्शन तो करा दिया mm. लेकिन उनके गाँव में वहीं पर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज था जो हम लोगों ने कराया उसका mm. रिजल्ट ये हुआ कि लोग धीरे धीरे ऐसे कनेक्ट हुए कि उग्रवादियों को हम लोगों ने विरोध नहीं किया लोगों ने करना शुरू कर दिया और शुरू किया कि तुम्हारे कारण से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है एंड नक्सल्स नक्सल फोर्स टू सरेंडर विच वज अनथिंकेबल वन कुड थिंक की इनको सरेंडर करना पड़ेगा दे वर रूलिंग द होल प्लेस बट लोगों का जैसा प्रेशर होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि नक्सल को भी सरेंडर करना, करना पड़ गया बघा में मैंने देखा था क्रिमिनल्स को सरेंडर करना पड़ गया जब उन्होंने सोच को बदला था इसीलिए बिहार में आज मुझे लगता है कि सोच जब बदलेंगे तो निश्चित एक सोया व सिंह है बिहार उस समय जब रिसोर्सेज नहीं थे तब तो हम ऐसा कर रहे थे आज रिसोर्सेज भी हैं यूथ के पास विजन भी है एनर्जी भी है सही दिशा में लग जानी चाहिए अब देखोगे वी लीड जनरेशन और अब देखोगे ग्लोबली भारत विश्व गुरु था उसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी एक सोया हुआ सिंह है जिसको हम लोग सम्राट अशोक के पिलर पे देखते हैं उसको जगाने की जरूरत है इसी प्रयास में मैं भी लगा हूं मैं सबको जो अच्छे लोग हैं बिहार के उनको भी कहता हूं अब लोगो, मिल लोगों मिलकर हम लोग कुछ प्रयास करते हैं इतने टाइम की जर्नी जो आपकी रही है as ips ऑफिसर बहुत सारे क्रिमिनल्स आ, से आपके इंटरैक्शंस हुए होंगे ऐसी कुछ ऐसी कुछ स्टोरी जिसमें बहुत वियर्ड क्रिमिनल से बातचीत हुई हो जिसका ये ये कैसा बंदा है ये क्या माइंडसेट है ऐसे कुछ स्टोरीज क्रिमिनल्स को तो मैं नहीं कहूँगा क्रिमिनल्स तो हर तरह के क्रिमिनल्स थे बहुत तरह के से इंट्रोगेशन उन्होंने किया मैं एन आई ए में था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसमें टेरोरिस्ट के खिलाफ काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए इंडियन मुजाहिदीन का केस मैंने किया बोधगया ब्लास्ट मैंने किया पटना ब्लास्ट हैदराबाद ब्लास्ट सभी टीम्स में था तो इसमें स्पेशली द माइंड सेट ऑफ अ टेररिस्ट इज़ वेरी डेंजरस दैन नॉर्मल क्रिमिनल क्योंकि टेररिस्ट जो करता है क्रिमिनल जब करता है क्राइम उसको मालूम होता है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ बट जब टेरिस्ट वो करता है तो उसके मन में यह कन्विक्शन होता है कि जो मैं कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ ना इस में जॉब टू किल इस माइंड सेट को वॉश करना या उसको समझाना कि भाई तुम जो हो तुम्हारा माइंड जो, तुम जो रेडिकलाइज माइंड है ये सही नहीं है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क लाइक आई रिम्बर है वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेरोरिस्ट ऑफ इंडिया उसके मन में कन्विक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो मैंने किया इससे तुम मुझे जनत मिलेगी कैसा होगा वट हाइव डन इज परफेक्टली राइट एंड दो पीपल आर नॉट डूइंग दिस दे विल गो टू हेल्प इस बात को स्पेशली कुछ ऐसे यूथ थे जो टेररिस्ट बने तो वो भी उनका माइंड वॉश हो चुका था बट तो आज जब उनसे मिला मिलता हूँ या जब जेल में कोई ट्रायल के समय मिलता हूँ मैनी ऑफ दैम रिग्रेटिंग कि हमारे यूथ के बेस्ट ईयर्स हम लोगों ने बर्बाद कर दिए आई कुड हैड अ बेटर लाइफ हैड आई नॉट बिकम अ टेरोरिस्ट तो उस माइंड सेट के लिए मुझे लगता है कि एनी नॉर्मल पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ टेरिस्ट इफ़ ही इज रेडलाइज्ड इन दैट मैनर ये बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए कि कैसे हम लोग डी करें और मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन बट ऑल्सो बैकग्राउंड इन विच यू आर द टाइप ऑफ पीपल यू कनेक्टेड विद एवरी वन हैज रोल टू सी दैट यू डू नॉट गेट रेडिकलाइज इनक स्पिरिचुअलिटी गॉड इजन ऑफ दू रेडिकलाइज समय स्पिरिचुअलिटी ऑफ गॉड में जो सच में भगवान की बात करेगा uh, वो थोड़ा तो रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता uh, वो अच्छी बात करेगा ना लेकिन किसी को अब कोई रिलीजियस बातें बताओ उसको बताओ कि भाई ऐसा कहा गया है ऐसा तो नहीं करते नहीं। हो तुम फिर नरक जाओगे ऐसा करोगे तो जन्त जन्नत में जाओगे तो इस प्रकार की बातें एक यंग माइंड पे बहुत इंपैक्ट तब डालती है जब वो कहने वाला उतने कन्विक्शन के साथ कहता है और वो रेफरेंस देता है किसी ग्रंथ का कोट कोट करता है वहाँ से तो उसको लगता है वही तो, वही तो वही सही बात बोल रहा है उस समय यदि आपको कोई ऑल्टरनेटिव व्यू नहीं मिलता है तो आप क्या होते हो वन साइड व्यू के साथ चलते चले जाते हो उस समय भी आपको कोई रैशनल व्यू बताए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस समय जब कोई रेडिकलाइज हो रहा हो कोई प्रयास चल रहा हो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो उसको उससे थोड़ा अलग ले जाए दैट पार्ट इज़ वेरी और स्पेशली जो यंग हमारा एज फ्रॉम फिफ्टीन टू थर्टी ये जो एज है इस बीच में ये और वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव मैं कहूँगा क्योंकि hmm. ये चांसेस बहुत है इस एज में स्पेशली हम लोग को जो हमारे टीचर्स हैं जो हमारी कम्युनिटी है इसको बड़ा सजग रहना होगा कि हमारा जो लोग हैं अगर रेडिकलाइजेशन के चांसेस हैं तो साथ में एक वैसे ओपननेस की भी रैशनल व्यू भी उनके मन में आना चाहिए तो फिर वो चीज़ें ठीक रहेंगे नहीं तो

वॉज़ वेरी ओपन माइंडेड और हम थोड़ा बड़ा सोचते थे हमारे आप पूर्वजों की सोच आप देखोगे तो मैं वेदांत की बात करता हूँ इट वॉज द लैंड ऑफ उपनिषद उपनिषद में क्या सोच है उपनिषद में सोच यही है कि ईश्वर मुझ में भी है आप में भी है सभी में है और जिस व्यक्ति में ऐसी सोच आ जाए कि सब में ईश्वर ईश्वरकांश है जो पूर्ण है विच इज़ कम्प्लीट ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भेद नहीं करेगा उसे हर जगह वही रूप दिखता है एंड देन देनी थिंग्स सोसाइटी में वही है कि जो मेरी जैसा है तो उसके मन में सोच आती है तत् तो तुम वही हो अहम ब्रह्मास्त्री मैं वही हूँ वी आर इमेजिनिंग ऑफ हर आइडेंटिटी एज इक्वल टू सेम क्रिएशन जिसने सबको क्रिएट किया hmm. और उस रूप में हम देखते हैं तो हम फिर जाति संप्रदाय लिंग भेद सब चीज़ें ऊपर सोचने लगते हैं एंड दैट इज थिंकिंग ऑफ द वेदांत और इसलिए हम देखिए बिहार की सोच थी बिहार में जातियाँ रही लेकिन बिहार की सोच अलग थी जातियों से परे सोचने लगे तभी तो नंदवंश का उदय हुआ सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक बने वैशाली में अब देखते हैं तो सबसे पहले रिपब्लिक क्रिएशन वही हुआ है समझ कोई सोच नहीं सकता था लेकिन बियॉन्ड कास्ट लोग चुने जाते थे एक दो नहीं सात हजार सात सौ सात गणराजा चुन के आते थे और हर साल अपने गनाधिपति को चुनते थे दैट वॉज एंट वैशाली जो रीजन बहुत बड़ा था ऊपर mm. में गंगा नीचे ऊपर हिमालय नीचे गंगा बगल में कोसी बगल में गंडक इस mm. पूरे ज्योग्राफिकल ट्रेन में वजी महाजनपद थी What is, अलग अलग सोच जो जाति संप्रदाय विचारधाराओं के मतभेद से परे जब हम सोचते थे वी एबिलिटी टू कनेक्ट दैट इज हाउ वी कुएट द फर्स्ट एम्पायर जो कहीं और से नहीं होगा तो सोच जब बड़ी होती है तो वही ट्रांसेंड बैरियर ट्रांसजेंड बाउंड्रीज आई यू कनेक्ट अब जो है अब वही बिहार पास देखो ना आप दस्त लोगों को बिठा दीजिए तो पहली बात क्या आती है इसका कास्ट क्या है किस धर्म का है और देन दैट ऑटोमेटिक बैरियर कि अगर ये मेरी जात का नहीं है तो मेरी दोस्ती इससे अच्छी नहीं, नहीं हो सकती हाँ। और ये बैरियर जहाँ आ जाता है तो हम कहाँ सोसाइटी को जोड़ पाएंगे इसलिए बिहार को इससे ऊपर उठने की जरूरत है आप देखेंगे बिहार का जो पतन की कहानी है उसमें संघर्ष इसी नाम पर शुरू हुआ पहले अब उस गुप्ता एज के बाद आप देखिए तो पता है कि हिंदूज और बुद्धिस्ट में संघर्ष हो रहा है फिर इस्लाम का एंट्री होती है वी आर फाइटिंग इच अदर और उसमें कस्टरिज्म हमारा और मजबूत होता चला जाता है उस बैरियर से जब एंशियट बिहार की तरफ नहीं निकलते उस तरह बड़ी सोचते क्या नहीं यार तुम तो आगे नहीं जा सकते तो एक मैसेज ये मैं यही देना चाहूँ कि बिहार तब यदि ऐसा था तो उसका कारण था हमारी सोच बड़ी थी आज सोच को संकुचित कर देंगे छोटी कर देंगे छोटे छोटे बातों में संघर्ष करते रहेंगे तो हम बड़ा हो ही नहीं सकते तो बड़े होने के लिए किसी व्यक्ति को और किसी समाज को किसी राष्ट्र को उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए

नॉट जस्ट कि आप कह रहे हो इट शूड बी रियली फेल्टॉट जस्ट फॉर वर्ड बट फॉर द मीनिंग ऑफ इट वी शुड ट्राई टू क्रिएट इन एग्लेटेरियन सोसाइटी जो तभी संभव है जब जो सक्षम है उनके मन में इस प्रकार की प्रेरणा जाएगा कि जो वंचित है उनके लिए हम सामने आए वी शुड मेक अफ्रेंड्स और तीसरा एंटरप्रीनरशिप कि सो दैट वी इनकलकेट दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रीनरशिप इन आर यूथ विच वॉन्स लेट टू क्रिएशन ऑफ सिटीज लाइक चंपा लाइक पाटलिपुत्र उस समय थे तो उसका मेन कारण देखोगे तो एंटरप्रिनरशिप ही थी

प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट करती है तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क मैं जो जिस कैंपेन की बात करूँ इस सोशल कैंपेन जो सोसाइटी में हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट विथ इट्स होल प्रिंसिपल्स विथ रिजॉल्व रिजोल्व जब तक सोसाइटी में भी हम उस तरह का बड़ा एक चेंज नहीं लाते तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा वो मीट नहीं होता तो इसे मिलकर हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ हम लोग मिलकर उस ग्रुप में काम करें और सरकार की जो स्कीम्स है तभी सफल होती हैं जब उसके बारे में अवेयरनेस हो लोगों में लोग उसको समझें जानें और बिहार में जो आज समस्या है वो तो मैंने अच्छे तो बताया आपको सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि हाउ टू दैट स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो कि बहुत लकिंग है लेकिन उसमें यदि हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके निश्चित आएगा क्योंकि पहले हम लोगों ने किया है उस समय जब संसाधन नहीं थे तो आज सब संसाधन भी हैं वी कैन कनेक्ट वीट नेचुरली विध आइडियाज द वे दे कैन इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा hmm. और कैसे लोग लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ सकते हैं देखिए अब वो टेक्नोलॉजी का जमाना है बहुत आसान है भी टाइप भी करेंगे